नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश तिवारी। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज हम बात करेंगे हरियाली की। दोस्तों, हरियाली किसे नहीं पसंद होती है। लोग पार्कों में घूमने जाते हैं, अपने घरों की लॉन में हरे पेड़ पौधे लगाते हैं, और जिनके घरों में लॉन नहीं है वो अपनी बालकनी में गमले लगाकर अपने शौक को पूरा करते हैं। लेकिन हरियाली बचाने के लिए देश में क्या हो रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। आज एक समाज ऐसा है हमारे देश का, ये राजस्थान का रहने वाला ये समाज है, बिश्नोई समाज, जिसने हरियाली को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ये वही बिश्नोई समाज है जिसने, जो चिंकारा शिकार मामला हुआ था राजस्थान का, उसमें सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। और न सिर्फ केस दर्ज करवाया बल्कि कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सज़ा भी सुनाई थी। तो बिश्नोई समाज पर्यावरण का बहुत बड़ा रक्षक माना जाता है, और पर्यावरण की सुरक्षा के पीछे बिश्नोई समाज से जुड़ी एक कहानी भी है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने दिया था बलिदान। खेजड़ी राजस्थान में एक कांटेदार वृक्ष होता है जिसे ज़्यादातर लोग शमी के पेड़ के नाम से जानते हैं। अमूमन ये पेड़ राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, जहाँ दूर दूर तक कोई छायादार वृक्ष नहीं होता, लेकिन जानवर इस पेड़ की थोड़ी सी छाँव में काफ़ी सुकून महसूस करते हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज को लेकर एक कहानी भी काफ़ी फेमस है। 18वीं सदी की बात है, जब मारवाड़ के यानी जोधपुर रियासत में महाराजा अभय सिंह का राज था। राजा ने अपने महल में सिपाहियों को लकड़ी लाने के लिए भेजा था। सिपाही खेजड़ली गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्ष काटने लगे। इस पर वहां मौजूद बिश्नोई समाज की एक महिला ने जब उन्हें रोका तो सिपाही नहीं माने, वो महिला पेड़ से चिपक गई, लेकिन सिपाहियों ने उस पर भी कुल्हाड़ी चला दी। ये देखकर महिला को कि तीनों बेटियां भी जो थीं वो भी पेड़ से चिपक गई, जिन्हें सिपाहियों ने वहीं मार डाला। इस तरह से एक एक करके बिश्नोई समाज के 363 लोग पेड़ों से चिपकते रहे और सिपाही उनकी जान लेते रहे। ये बात जब राजा को पता चली तो वह काफ़ी दुखी हुए और खेजड़ली आए और गांव वालों से माफ़ी मांगी। साथ ही ये वादा भी किया, इस इलाके में ही क्या, जहां भी बिश्नोई समाज के लोग रहते होंगे रहेंगे, उस इलाके में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तब से पेड़ पौधों के संरक्षण की ये परंपरा यहाँ चली आ रही है। बिश्नोई समाज के लोगों की बात करें तो ये समाज राजस्थान के पश्चिम में यानी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा रहता है, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ख़ास तौर पर जोधपुर, बीकानेर, जालोर, इन सब एरियाज़ में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं और वहाँ रहते हुए ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वैसे बिश्नोई समाज के लोग कुछ पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी कम संख्या में वहाँ रहते हैं। जो जिस तरह से बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों की रक्षा की थी, पर्यावरण की रक्षा की थी, इसी तरह से एक 45 साल पहले आज के एक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, जिसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। वहाँ भी लोगों ने इसी तरह से पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को कटने से बचाया था। तो चिपको आंदोलन क्या है ये भी बता देते हैं आपको। इस आंदोलन के नेतृत्व कर्ता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने बचाने के लिए गाँव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम जो था वो चिपको आंदोलन पड़ा था। इस आंदोलन का ऐसा असर हुआ था कि साल 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विधेयक बनाया, जिसके तहत हिमालय के क्षेत्रों के वनों के काटने पर 15 सालों तक रोक लगा दी गई थी। इस आंदोलन का असर सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में देखने को मिला था उस समय। राजस्थान का जो बिश्नोई समाज है वो सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं जाना जाता, ये अपने और अच्छे कामों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि वन्य जीवों का ये संरक्षण करते हैं। बिश्नोई समाज ने जालोर में सांचौर के पास एक अपना रेस्क्यू सेंटर बना रखा है वन्य जीवों का, जहाँ पर ये जो घायल पशु पक्षी होते हैं इनकी ये इनका इलाज करते हैं, इनको वहाँ लाया जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि बिश्नोई समाज के जो पुरुष और महिलाएं होते हैं वो निस्वार्थ भाव से इन वन्य प्राणियों की वहाँ रक्षा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। यहाँ दूर दूर से घायल पशुओं को इलाज के लिए लाया जाता है। ख़ास बात इसकी ये है कि ये जो रेस्क्यू सेंटर है ये सांचौर उपखंड जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर धमाणा के गोलिया में बनाया गया है। इस रेस्क्यू सेंटर का नाम श्री जम्भेश्वर पर्यावरण एवं जीवन रक्षा संस्थान है।
यहाँ करीब 250 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई और दूसरा रेस्क्यू सेंटर नहीं है, लिहाजा जब कोई पशु पक्षी घायल होता है तो लोग यहाँ उसे इलाज के लिए लेके आते हैं। रेस्क्यू सेंटर में आए दिन जालोर बाड़मेर के गांवों से लोग घायल जीवों को यहाँ उपचार के लिए लाते हैं। यहाँ बिश्नोई समाज की जो महिलाएं और पुरुष हैं वो मिलकर घायल जानवरों की देखभाल करती हैं। महिलाएं अपने साथ हरा चारा लेकर आती हैं और जानवरों को खुद अपने हाथों से ये खिलाती हैं। वन्य जीवों के इलाज और चारे पानी की दवा की व्यवस्था भी बिश्नोई समाज के लोग खुद ही करते हैं, वो भी चंदा इकट्ठा करके। सेंटर की सुरक्षा के लिए यहाँ जाली लगाई गई है, चार दीवारी भी बनाई गई है और जानवरों को बिल्कुल घर जैसा माहौल मिल सके इसके लिए 6,000 से ज़्यादा यहाँ पौधे लगाए गए हैं। रेस्क्यू सेंटर के संरक्षक बताते हैं कि यहाँ अभी तक उन्हें राज्य के वन विभाग की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं मिली है जो कि उनके लिए काम आए इन वन्य जीवों की रक्षा में। वन्य जीवों का रेस्क्यू सेंटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा रेस्क्यू सेंटर है नहीं और आसपास की जो ज़मीनें थीं वहाँ पर सिंचाई एरिया जो इनका था वो बढ़ गया। लोग खेती ज़्यादा करने लगे, जंगलों की ज़मीन पर इन्होंने अपने खेत बना लिए जिससे जंगल से जब भटक कर जानवर रिहायशी इलाकों में आते हैं तो इन्हें इनका शिकार कर लिया जाता है और ये घायल हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में इनको इलाज के लिए इस रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है जहाँ इनकी जान बचाई जाती है। इस रेस्क्यू सेंटर में अब तक 1100 जानवरों की जान बचाई जा चुकी है। यहाँ हिरण, बंदर, मोर और खरगोश जैसे वन्य जीवों का इलाज किया जा रहा है। बिश्नोई समाज के लोग इतना नेक काम करते हैं लेकिन इनका कहना है कि सरकार इन्हें कोई मदद नहीं दे रही है इस नेक काम में इनके। तो देश में अगर बिश्नोई समाज की तरह सबकी सोच हो जाए, सब लोगों की सोच हो जाए कि पर्यावरण को बचाना है, वन्य जीवों को बचाना है, तो इससे बढ़िया भला और क्या हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।